आज दिनांक 20/2024 सेलारा तहसील कार्यालय में समस्त सेलारा तालुका मुस्लिम समाज और मालेगांव की तरफ से माननीय जिलाधिकारी कार्यालय और गृह मंत्रालय में एक लेटर एक निवेदन दिया गया, जिसमें रामगिरी महाराज नाम तो राम है लेकिन काम उसके बहुत गलत है, तो उसका ये नाम होना ही नहीं चाहिए, जिसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी कैन टॉलरेट एवरीथिंग बट वी कैन नॉट टॉलरेट इंसल्ट ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का मुसलमान अपनी जाने कुर्बान कर सकता है, अपने घर छोड़ सकता है, अपना कारोबार छोड़ सकता है, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, लेकिन जहां पर बात प्रॉफेट मोहम्मद की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आए, वहां पर ये नौजवान अपनी जानों को अपनी हथेलियों में लेकर पेश कर सकता है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जिस हरामी ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके लिए जितने खराब अल्फाज बोले जाए कम है। ये हमारा गम, ये गुस्सा इस बात की दलील है कि हम आज भी आईन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रशासन पर, शासन पर और कानून पर भरोसा रखते हैं। इसलिए तड़पता हुआ नौजवान यहाँ पर आया है, तो बस यही एक उम्मीद लेकर आया था कि ये बात सरकार तक और शासन प्रशासन तक पहुँचा कर उस गुस्ताख मलहून बदबख्त को गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे डालकर इतनी लंबी सजा दी जाए कि उसकी 10 पुश्तें याद रखे कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने का सबब क्या होता है। इसी के साथ जिस तरह से हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ एक शेर बोलने पर 8 महीने से गिरफ्तार किया गया है, खुद पुलिस इसमें एक्शन लेकर 3-3 जगह FIR करती है, उनको गिरफ्तार करती है, यहाँ पर इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के बावजूद भी मुसलमानों को बार बार मेमोरेंडम देना पड़ रहा है, आखिर क्या वजह है कि हुकूमत महाराष्ट्र और पुलिस उसको गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों ले रही है। फिर हम हिंदुस्तानी आईन का सहारा लेते हुए हम एक बात जरूर कहेंगे कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुसलमानों के दिलों पे जो तकलीफ हुई है उसका इजाला हो। ये बातें कहकर मैं अपनी चंद गुफ्तगु को, सेंटेंस को खत्म करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मुसलमानों से, हिंदुस्तान के, इवन रियासत महाराष्ट्र के, कि वो अदब के साथ में और हिंदुस्तान का जो कानून है उस पर भरोसा रखते हुए अपने जज्बात को काबू में रखें। इंशाल्लाह वो मलहून जल्द सलाखों के पीछे जाएगा। बस ये बात मैं कहकर अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपने ईमान की बेदारी का सबूत दिया है। ठीक है, ये ईमान सिर्फ इस हद तक नहीं रहना चाहिए, नमाजों के पाबंद होना चाहिए और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। सिर्फ ये मेमोरेंडम देकर हम इससे बरी नहीं हो सकते, हमारी जिंदगी में हुजूर की सीरत को लाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये दुनिया देखेंगी कि गुलामान मुस्तफा किस तरह से दुनिया में छा जाते हैं। बस ये बातें कहकर मैं अपने आप के 2 अल्फाज खत्म करूंगा। अल्लाह हाफिज़।